डिस्टिलेशन, आज हम बात करने वाले हैं डिस्टिलेशन के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे रिफ्लक्स है, रिफ्लक्स रेशियो, एक्सटर्नल रिफ्लक्स रेशियो, इंटरनल रिफ्लक्स रेशियो और इफेक्ट ऑफ रिफ्लक्स रेशियो ऑन थ्योरेटिकल प्लेट। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं डिस्टिलेशन क्या होता है, उसके बाद से हम इस पॉइंट को देखेंगे। देखिए डिस्टिलेशन क्या होता है, जनरली डिस्टिलेशन में क्या होता है, टू या टू से मोर देन, ठीक है ना, दो या दो से अधिक कंपोनेंट को उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे उनको सेपरेट किया जाता है। जैसे यदि मान लें यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट है ए और बी, ए का बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं कम है और बी का बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, ठीक है, तो इन दोनों को सेपरेट करेंगे, यहाँ से हम फीड देते हैं, लिक्विड को फीड देते हैं, ठीक है ना, फीड देते हैं जिसमें क्या है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी दोनों मिक्स, दोनों का मिक्सर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम फीड देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हीट किया हुआ रहता है, ये फीड यहाँ पे भी कुछ हीट किया जाता है, यहाँ पे हीटर लगा के, और क्या है, दूसरी बार यहाँ पे सेकेंड स्टेज में यहाँ पे रिबॉयलर में जो फीड आता है, रिबॉयलर में हीट होता है, हीट होके यहाँ से जो वेपर जनरेट होता है, तो जनरली देखिए जब हम हीट करेंगे तो कंपोनेंट ए का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, तो ए पहले वेपराइज होगा, लेकिन ऐसा निश्चित नहीं है कि ए कंपोनेंट ही वेपराइज होगा, इसमें क्या है, कुछ कुछ बी का भी कंपोनेंट वेपराइज हो जाएगा, तो यहाँ से जो वेपर निकलेगा, जो रिबॉयलर से वेपर निकलेगा, वो ए का भी निकलेगा और बी का भी निकलेगा, ये दोनों वेपर आया कॉलम में और यहाँ से फीड आ रहा है, तो यहाँ से ये जो लिक्विड आ रहा है, यहाँ से लिक्विड आ रहा है यहाँ, तो इन प्लेट्स, ये प्लेट्स लगे हैं, ठीक है ना, ये डिफरेंट प्लेट्स, अलग अलग ये प्लेट लगे हैं, ठीक है ना, कॉलम में। तो प्लेट का काम क्या होता है, प्लेट ये लिक्विड और वेपर को कंटेक्ट करता है, ठीक है ना, कंटेक्ट पीरियड को बढ़ा देता है, ठीक है ना, ताकि ये लिक्विड और वेपर प्रॉपर तरीके से मिक्स हो और इसका सेपरेशन अच्छे हो। देखिए इसका सेपरेशन कैसे अच्छे होगा, यहाँ से लिक्विड आ रहा है, इसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ होगा, ठीक है ना, और यहाँ से जो वेपर जा रहा है इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लिक्विड का कम होगा और ये वेपर का टेम्परेचर अधिक होगा, तो यहाँ जाएगा वेपर और लिक्विड, जब कंटेक्ट होगा वेपर और लिक्विड, जब आपस में कंटेक्ट होगा तो कुछ लिक्विड, लिक्विड जिसमें ए की क्वांटिटी होगी, ठीक है ना, वो क्या है, जो बी की जो कुछ मात्रा में, जो कुछ क्वांटिटी में जो बी का वेपर है, वो क्या करेगा, ए के कुछ मात्रा में जो वेपर लिक्विड होगा उसको क्या करेगा, वेपराइज कर देगा। तो यहाँ से क्या होगा, जो कंपोनेंट ए है फीड में, फीड में जो मिला हुआ है ए कंपोनेंट, वो रिबॉयलर तक न आके ये बीच में ही, ये प्लेटों के पास ही क्या है, वेपराइज हो जाता है, ठीक है ना, तो इसी पर्पज़ के लिए हम प्लेट को लगाते हैं, ठीक है ना, कि जो ये कंपोनेंट है वो डायरेक्टली बार बार ये रिबॉयलर में आके न हीट हो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से जब ए और बी दोनों कंपोनेंट का वेपर आ रहा है, वेपर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये वेपर आ रहा है कॉलम से बाहर निकल गया और उसके बाद से आया यहाँ पे कंडेंसर में, कंडेंसर में आके कंडेंस होगा वेपर जो ए और बी, तो कंडेंसर में क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा कंडेंस होगा, तो यहाँ पे क्या है, हमें जो चाहिए प्रोडक्ट, चूँकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं ना, तो सेपरेट कर रहे हैं तो हमें एक ही कंपोनेंट चाहिए, तो हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा डिस्टिलेट, क्योंकि जो ए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा पहले आएगा वेपराइज होके, तो ए हमारा डिस्टिलेट हो जाएगा। लेकिन जो बी की मात्रा होगी, ठीक है ना, जो बी की मात्रा होगी तो उसको क्या करेंगे, हम कंडेंस करके, ये क्या रिफ्लक्स ड्रम है, यहाँ से क्या करते हैं, रिफ्लक्स कर देते हैं। देखिए यहाँ पे वेपर आया और कंडेंस हुआ, और कंडेंस हो गया, अब यहाँ पे फिर क्या हो गया, लिक्विड हो गया, वेपर से लिक्विड हो गया, तो यहाँ पे दो लिक्विड हुआ, ये बी वाला लिक्विड और ये ए लिक्विड, ठीक है ना, दो कंपोनेंट के अलग अलग लिक्विड हो गए ना, तो हमें जो चाहिए वो डिस्टिलेट हो जाएगा, और जो नहीं चाहिए अर्थात जिससे हमको सेपरेट करना है उसको क्या है,
पुनः कॉलम में रिटर्न कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसी को रिफ्लक्स कहते हैं, अर्थात अनडिजायर लिक्विड, ठीक है ना। कंडेंसर के बाद जो अनडिजायर लिक्विड होता है उसको कॉलम में पुनः भेज देना या रिटर्न कर देना ही रिफ्लक्स कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिफ्लक्स को R से डिनोट करते हैं। R बराबर फार्मूला होता है L/D। L क्या है, ये लिक्विड, जो लिक्विड यहाँ पे कंडेंसर में कॉलम में वापस आ रहा है वो लिक्विड L है। और D क्या है, जो कंपोनेंट हमें डिस्टिलेट के रूप में चाहिए, प्रोडक्ट के रूप में चाहिए, वो हमारा डी हो गया, ठीक है ना। तो रिफ्लक्स बराबर L/D होता है, ठीक है ना। तो ये रिफ्लक्स रेशियो हो गया, ये तो रिफ्लक्स हो गया कि जो अनडिजायर लिक्विड होता है जिसको हमें नहीं चाहिए डिस्टिलेट के रूप में अभी, उसको हम पुनः वापस कॉलम में भेज देते हैं, वो लिक्विड हमारा रिफ्लक्स के नाम से जाना जाता है। और जो कंपोनेंट हमें चाहिए प्रोडक्ट के रूप में उसको हम डिस्टिलेट बोलते हैं, ठीक है ना। और जो लिक्विड, कितनी मात्रा में लिक्विड आई और कितनी मात्रा में डिस्टिलेट प्राप्त हुआ, तो ये R बराबर L/D, इसको कहते हैं रिफ्लक्स रेशियो, ठीक है ना। देखिए ये हो गया रिफ्लक्स, हो गया रिफ्लक्स रेशियो हो गया। अब आते हैं, देखते हैं इंटरनल रिफ्लक्स रेशियो क्या होता है, एक्सटर्नल रिफ्लक्स रेशियो क्या होता है, फिर देखते हैं इंटरनल रिफ्लक्स रेशियो। देखिए कॉलम के बाहर, यहाँ पे देखिए जो लिक्विड आएगा, ये लिक्विड जो आ रहा है यहाँ से, जो वेपर जाएगा, ठीक है ना, ए और कंपोनेंट ए और बी का जो मिक्सचर रूप में जो वेपर आ रहा है, तो ये लिक्विड क्या करेगा, इस वेपर को भी कंडेंस कर देगा, क्योंकि लिक्विड का टेम्परेचर क्या है, इस वेपर के टेम्परेचर में कम है, तो ये क्या करेगा, ये वेपर को भी ठंडा कर देगा। वेपर को जब ठंडा करेगा तो ये जो वेपर यहाँ पे, जो वेपर कंडेंस होके फिर लिक्विड के रूप में नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। जो वेपर यहाँ पे कंडेंस हुए इस लिक्विड की वजह से, ठीक है ना, जो रिफ्लक्स के रूप में भेजा गया है कॉलम में, इसके वजह से जो लिक्विड कंडेंस होके नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना, वो भी एक तरह से रिफ्लक्स हुआ कि नहीं, ठीक है ना। देखिए जब वेपर हो, वेपर को कंडेंस, जो वेपर हमें नहीं चाहिए उसको कंडेंस, कंडेंसर के बाद से, अर्थात अनडिजायरेबल जो कंपोनेंट होता है कंडेंसर के बाद, अर्थात ठंडा हुआ जो लिक्विड रहता है वो कॉलम में आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको एक्सटर्नल रिफ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना, एक्सटर्नल रिफ्लक्स। और जो लिक्विड होगा, और लिक्विड और ये डिस्टिलेट, ठीक है ना, इसके रेशियो को हम एक्सटर्नल रिफ्लक्स रेशियो कहते हैं, चूँकि ये कॉलम के बाहर ये जो भी प्रोसेस हो रहा है रिफ्लक्स का, ये कॉलम के बाहर हो रहा है, इसलिए क्या है, एक्सटर्नल रिफ्लक्स रेशियो, ठीक है। और जो कॉलम के अंदर हो रहा है, अर्थात ये जो लिक्विड आ रहा है, ये लिक्विड इस वेपर को कॉलम के अंदर जितने क्वांटिटी में वेपर को कंडेंस करेगा और पुनः नीचे, मतलब ये रिबॉयलर की तरफ भेज देगा, ठीक है ना, तो इस लिक्विड को हम कहते हैं इंटरनल रिफ्लक्स रेशियो, क्योंकि ये कॉलम के अंदर, ये जो प्रोसेस हो रहा है रिफ्लक्स का वो कॉलम के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको इंटरनल रिफ्लक्स रेशियो कहते हैं। लेकिन हमारे पास एक्सटर्नल रिफ्लक्स रेशियो को मेजर करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स लगे होते हैं, लेकिन क्या है, इंटरनल रिफ्लक्स रेशियो को मेजर करने के लिए कॉलम में हमारे पास ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं लगा होता है, ठीक है ना। तो जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल रेशियो, ठीक है ना, एक्सटर्नल रेशियो के बेस पे हम सारे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना, इंटरनल रिफ्लक्स रेशियो को हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी हमें इफेक्ट करेगा, इफेक्ट ऑफ रिफ्लक्स रेशियो ऑन थ्योरेटिकल प्लेट, जो भी हमारा इफेक्ट करेगा, ठीक है ना, इफेक्ट करेगा रिफ्लक्स, कौन सा, वो एक्सटर्नल रिफ्लक्स ही करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल रिफ्लक्स को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, ये जब नंबर ऑफ प्लेट्स कम होंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ प्लेट्स जब कम होंगे कॉलम में, तो क्या होगा, जो लिक्विड वेपर है और लिक्विड, वेपर और लिक्विड का क्या है, कंटेक्ट भी कम होगा, ठीक है ना। जब
क्योंकि क्या है, ये जहाँ जहाँ प्लेट्स होते हैं यहाँ पर ये कंटेक्ट होता है, ठीक है ना, बाकी जगह पे भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो प्लेट का जो पर्पज होता है मेन, वो वेपर और लिक्विड को प्रॉपर तरीके से मिक्स करना होता है, ठीक है ना। तो जितने कम प्लेट्स लगे होंगे उतने कम तरह से मिक्स होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, जब कम प्लेट लगे होंगे तो वेपर और लिक्विड का कंटेक्ट टाइम होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। कंटेक्ट टाइम कम होगा अर्थात अच्छे तरह से मिलेगा नहीं, ठीक है ना, एक दूसरे से। तो क्या होगा, ये अधिक मात्रा में जो यहाँ पे रिबॉयलर से निकल रहा है वेपर, ठीक है ना, रिबॉयलर से जो वेपर निकल रहा है, तो यहाँ से ए और बी दोनों ही कंपोनेंट की वेपर निकलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे प्लेट्स अगर ज़्यादा रहेंगे तो जो लिक्विड आ रहा है, लिक्विड और वेपर से कंटेक्ट जब होगा तो जो बी वाला, जो बी कंपोनेंट होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक है ना, तो इसलिए क्या होगा, टेम्परेचर, ये लिक्विड का, लिक्विड के कंटेक्ट में आएगा तो अपना टेम्परेचर खो देगा और क्या हो जाएगा, ये भी लिक्विड में हो जाएगा। और ये क्या है, ये इतना जल्दी नहीं होगा, कंडेंस होगा लेकिन ये इतना जल्दी लिक्विड में चेंज नहीं होगा, इसलिए क्या है, ए की मात्रा अधिक होती जाएगी और यहाँ पे हमारी अधिक मात्रा में ए की क्वांटिटी आती रहेगी। और ए की जब क्वांटिटी अधिक मात्रा में आएगी तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट की प्योरिटी बढ़ रही है, प्योरिटी मतलब हमारा कंपोनेंट ए अधिक मात्रा में मिल रहा है, ठीक है ना। और इसमें बी अगर मिलने लगे धीरे धीरे तो क्या कहेंगे कि हमारी प्योरिटी कम हो रही है, लेकिन जब ए की मात्रा अधिक हो तो कहेंगे प्योरिटी बढ़ रही है। तो देखिए पहला इफ़ेक्ट क्या करता है, प्लेट्स का, ठीक है ना। और देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, जब प्लेट्स कम हुआ, ठीक है ना, अगर प्लेट्स कम हुआ तो क्या है, जो बी वाला कंपोनेंट है वो ज़्यादा कंडेंस नहीं हो पाएगा, तो ए और बी दोनों की मात्रा अधिक जाएगी। जब प्लेट्स कम होगा, मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट्स होंगे, तो ए और बी दोनों वेपर की मात्रा, जो क्वांटिटी होगी वो अधिक मात्रा में जाएगी। अधिक मात्रा में जाएगी तो हमें बी की जो क्वांटिटी है उसको अधिक मात्रा में रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अधिक मात्रा में जब आई है, अधिक क्वांटिटी में, तो इसको अधिक क्वांटिटी में हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे एल की मात्रा अर्थात लिक्विड की मात्रा जो बी है वो अधिक हो जाएगी अर्थात बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो यहीं से रिलेशन बढ़ता है, जब लिक्विड बढ़ेगा तो ये आर क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आर भी बढ़ेगा अर्थात रिफ्लक्स रेशियो बढ़ेगा, ठीक है ना। तो रिफ्लक्स रेशियो बढ़ेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्लेट कम अर्थात मिनिमम। तो इसीलिए पहला क्या हो जाएगा, जब रिफ्लक्स रेशियो बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्लेट्स होते हैं वो मिनिमम होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, जब प्लेट्स की संख्या बढ़ा दी जाए, ठीक है ना, ये नंबर ऑफ प्लेट्स को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, ए और बी जो कंपोनेंट है यहाँ आएगा और फीड से क्या है, अब अधिक कंटेक्ट होगा, ठीक है ना। अधिक कंटेक्ट होने की वजह से क्या होगा, जो कंपोनेंट बी है, ठीक है ना, ये लिक्विड से कंटेक्ट होके क्या हो जाएगा, ये यहीं पे कंडेंस हो जाएगा। बी की जो क्वांटिटी है इस वेपर में, यहाँ से जो वेपर निकल रही है, यहाँ से वेपर जो आ रही है, इसमें ए और बी है ना, ए और बी दोनों का वेपर है, तो क्या होगा, बी इस लिक्विड के कंटेक्ट से, इस लिक्विड के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, ये कंडेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए की मात्रा अब यहाँ पर बढ़ जाएगी, जब ए की मात्रा बढ़ जाएगी और बी की मात्रा यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। जैसे कि एग्जांपल की तरफ 70 हो गया ए का 70 बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और इसका कितना हो गया, सपोज दैट 90 हो गया, 90 डिग्री। तो क्या होगा, यहाँ पे जब जो वेपर है, सपोज दैट यहाँ पे 85 डिग्री है, ठीक है ना, 85 डिग्री पे ये वेपर का टेम्परेचर है, तो ए तो टोटली वेपराइज होगा, ठीक है ना, और बी की मात्रा थोड़ी थोड़ी सी होगी, ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी सी होगी। या फिर सपोज मान लेते हैं 95 है, तो 95 पे क्या है, जो कंपोनेंट ए होगा वो पूरा पूरा वेपराइज होगा, वेपर के फॉर्म में होगा, और जो कंपोनेंट बी होगा वो क्या है, बहुत कम मात्रा में होगा, ठीक है ना। तो जब ये लिक्विड के कंटेक्ट में आएगा तो ये अपना 95 है,
तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो कम होगा ही जब लिक्विड, क्योंकि लिक्विड क्या है, लिक्विड का टेम्परेचर कम है और वेपर का टेम्परेचर अधिक है, तो जब दोनों कॉन्टेक्ट में आएगा तो इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा, ठीक है ना। तो ये जैसे ही 90 पे आएगा तो ये जो बी की जो क्वांटिटी है, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी, ये लिक्विड हो जाएगी, ये लिक्विड हो जाएगी और नीचे नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। और जो ए है, ये तो अभी इसका तो बॉइलिंग पॉइंट 70 है, तो ये क्या होगा, ये तो अभी वेपर फॉर्म में ही रहेगा, तो ये क्या है, ऊपर निकल जाएगा, अर्थात जो ए की क्वांटिटी है यहाँ पे अधिक मात्रा में आएगी, अधिक मात्रा में आएगी। तो यहाँ पे क्या है, जब बी की क्वांटिटी बहुत कम है तो रिफ्लक्स भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए एलिफेंट डी, तो यहाँ पे अब जो रिफ्लक्स अर्थात लिक्विड को ही तो रिफ्लक्स कर रहे हैं, जो यहाँ जो अनडिजायर लिक्विड है, ठीक है ना। तो ये ए को तो हम यहाँ पे डिस्टिलेट के रूप में ले लेंगे, लेकिन जो बी होगा कंपोनेंट बी, ये क्या होगा, बहुत ही कम होगा, ठीक है ना। तो जब ये मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो है तो यहाँ लिक्विड कम तो रिफ्लक्स रेशियो भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो पे जो नंबर ऑफ प्लेट्स कितने हो गए, अधिक हो गए, अर्थात मैक्सिमम हो गए। तो यही रिलेशन होता है नंबर ऑफ प्लेट्स और रिफ्लक्स रेशियो पे, अर्थात जब रिफ्लक्स रेशियो बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्लेट कम, और रिफ्लक्स रेशियो घटेगा तो नंबर ऑफ प्लेट्स मैक्सिमम। और प्योरिटी कैसे बढ़ाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि देखिए ये रिफ्लक्स बार बार करेंगे, ठीक है ना। रिफ्लक्स की मात्रा अगर अधिक रहेगी तो क्या है, ये रिफ्लक्स की मात्रा जब अधिक रहेगी तो ये लिक्विड है आएगा इधर कंडेंस करेगा, जो हमारा कंपोनेंट ए है और बी है कंपोनेंट, ठीक है। तो बी वाले कंपोनेंट को पहले कंडेंस करके ये नीचे लेके आ जाएगा, और ए वाला जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, वो ऊपर आएगा, ठीक है ना। तो रिफ्लक्स रेशियो जितनी अधिक मात्रा में बढ़ाएंगे तो इसका टेम्परेचर डाउन होगा, आएगा वेपर को कंडेंस करेगा, वेपर में जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा उसको क्या करेगा, पहले कंडेंस करके नीचे लेके आ जाएगा, और जो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला जो कंपोनेंट है उसको ऊपर जाने देगा, ठीक है। ये ऊपर उठेगा और यहाँ पे आएगा, अर्थात ये रिफ्लक्स रेशियो यहाँ से अगर अधिक रहेगा तो क्या होगा, हमारी कंपोनेंट ए यहाँ पे अधिक रहेगा, यहाँ से अधिक निकलेगा, और बी को ये क्या करेगा, लिक्विड अपने साथ नीचे लेके आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ से यहाँ पे प्रोडक्ट की प्योरिटी बढ़ रही है रिफ्लक्स रेशियो को बढ़ाने से, ठीक है। तो देखिए ये भी हो गया इफेक्ट ऑफ रिफ्लक्स रेशियो ऑन थ्योरेटिकल प्लेट, ठीक है।